सत श्री अकाल जी, टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज मैं हाजिर होया एक नवी वीडियो दे नाल। ते अज दी जो अपनी वीडियो का टॉपिक है वह है जी दल खालसा। इस तो इलावा आपां सरबत खालसा बारे भी पढ़ांगे ते इस समय दौरान जो होर भी मुहिमां होईयां उन्हां सब बारे अज दी वीडियो दे विच पढ़ांगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो नूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की मौत तो बाद सिखा कोल योग अगवाई की कमी सी ते मुगल सल्तनत खिलाफ़ जो संघर्ष सी उसने लोक लहर का रूप धारण कर लिया सी। इसे लोक लहर के चलदियां सिख सैनिकां ने अमृतसर के उपर कब्जा कर लिया और अमृतसर ही सिख गतिविधियां का केंद्र बना लिया। ठीक है, हरिमंदर साहब का कामकाज देखने दे लई भाई मनी सिंह जी नियुक्त किया गया। इस तो इलावा सिखा ने अपने जाति मसले सन जो सिख धर्म के नाल संबंधित मसले सन उन्होंने हल करने की एक वक्री रिवायत आरंभ की। उन्होंने की किया यानी कि सिखा ने की किया बैसाखी और दिवाली वाले दिन अमृतसर के विच इकट्ठे होंदे ते जो भी मसले सन उन्होंने हल करते। इस संगठन नू सरबत खालसा का नाम दिता गया ते सरबत खालसा सी जिहड़ा अमली रूप विच ताकतवर बन के उभरिया। सरबत खालसा दे वख वख ग्रुप बनाए गए ते इन्हां ग्रुपां दे लीडर नियुक्त किए गए, जथेदार नियुक्त किए गए। उन्हां नू पहाड़ियां अते जंगलां विच पैंदे पिंडां दी राखी करन दे निर्देश दिते गए कि जो भी तुहाडे इलाके दे विच पिंड आउंदा है उसकी तुसीं रक्षा करनी है। तां 1733 दे विच लाहौर दा जो मुगल नवाब सी, ठीक है, उसका नाम सी जकरिया खान। जदों वह ताकत के जोर से सिखा दबा ना सकिया तो उसने कोजियां साजिशा करनिया शुरू कर दित्तियां। तो यह साजिशा की सी, तो उसने सिखा जागीर देनी शुरू कर दित्ती। जो मुखी सन संगठन के उन्होंने नवाब की उपाधि देनी शुरू कर दित्ती। ठीक है, तो उसने यह चाल सली सी क्योंकि नवाब की उपाधि सिख धर्म के नहीं होंदी, यह मुगल धर्म के होंदी सी। तो मुगलों के बच्चे होंदी सी नवाब की उपाधि। तो उसका मनना यह सी कि इस नाल इन्हां दे धर्म ते प्रभाव पवेगा, पर सिख समझदार सन। ठीक है, तो उन्होंने नवाब की उपाधि भी धारण की क्योंकि उन्होंने कम करने के लिए खुला समा मिल जाएगा। इस दाल जागीर भी जो मिली सी वह भी ग्रहण की। ठीक है जी, तो सरबत खालसा वालों कपूर सिंह जी ने मुखी थापया गया तो नवाब की उपाधि मिलनी सी, तो कपूर सिंह जी का नाम नवाब कपूर सिंह हो गया। इसे करके इन्हों नवाब कपूर सिंह कहा जाता सी। ठीक है जी, उस तो बाद नवाब कपूर सिंह ने संपूर्ण सिखा दो भागा विच वंडिया। तो नवाब कपूर सिंह सी जन उन्होंने सिख सैना दो भागा विच वंडिया, पहला सी बुढ़ा दल, दूसरा सी तरुणा दल। बुढ़ा दल विच वडेरी उम्र के सिख सन, तरुणा दल के विच नौजवान फौजी सन। ठीक है, बुढ़ा दल का जो कम सी वह सी गुरद्वार की सांभ संभाल करना, तरुणा दल नू सही अगवाई देना, सिखलाई देना। तरुणा दल का काम सी फौजी हमलों नाल निजठना। नवाब कपूर सिंह अते जस्सा सिंह आलूवालिया ने जकरिया खान के इस रवैये का भरपूर लाभ लिया अते जथियां नू संपूर्ण आजादी नाल काम करने की इजाजत मिल गई। पर जकरिया खान अते नवाब कपूर सिंह विच होई इह संधि ज़्यादा टाइम ना चली अते 1735 दे विच इह संधि टुट गई। सरकार ने जागीर मुड़ कब्जा कर जागीर जो दिती सन उन्होंने मुड़ कब्जा कर लिया और सरबत खालसा गैर कानूनी घोषित कर दिता और इसका अस्तित्व मिटा दिता। उस तो बाद की हुंदा है, हरिमंदर साहब के पाठी सन जो भाई मनी सिंह उन्होंने शहीद कर दिता जाता है। तो भाई मनी सिंह की शहादत ने सिखा अंदर रोस की लहर पैदा कर दी, पर उन्हों का बदला लैन तो पहला ही सिख बदला लेना चाहते सन। पर उस तो पहला ही नादर शाह 1738 पंजाब ते हमला कर देंदा। खालसे ने नादर शाह नू नहीं बख्शिया तो खालसे का जो गुस्सा सी वो नादर शाह ते निकल जाता। उन्होंने नादर शाह द्वारा इकट्ठे किए लुट के माल नू खो लिया। ठीक है, जो भी उसने लुट करके माल इकट्ठा किया सी उसनू खो लिया सिखा ने। तो जान तो पहला नादर शाह ने जकरिया खान नू चेतावनी दी कि वह इन्हां लड़ाकों नू खत्म कर देवे, नहीं तो वह आपका राज भाग खो बैठेगा। ठीक है जी, जकरिया खान ने नादर शाह की चेतावनी याद रखिया। उसने खालसा द्वारा बनाई दल्लेवाल की जो कच्ची गढ़ी सी उसनू ढा दिता। तो जकरिया खान ने खालसा द्वारा जो दल्लेवाल विखे
बनाई सी कच्ची गढ़ी उसनू ढा दिता। लाहौर दी घोड़ा मंडी विच जिसनू अज शहीदगंज कहा जाता है हजारां सिखां दे सिर जकरिया खान दे हुकम ते वड्डे गए। 1745 दे विच जकरिया खान की मौत तो बाद उसका पुत्र सी जो जइया खान ठीक है उसने कमान संभाली तो उन्हें भी अपने पिता वांग सेम रवैया सिखा प्रति लागू रखिया। ठीक है लाहौर के दीवान लखपत राय के भरा जसपत राय की 1740 सिखा तो मौत ने इसनू होर भड़का दिता। एक बड़ी सेना नाल उसने गुरदासपुर नेड़े कानोवाल विखे हमला कर दिता जिस विच 7000 तो वध सिख मारे गए जिसनू छोटा कल्लूघारा कहा जाता है। तो छोटा कल्लूघारा तो बड़ा कल्लूघारा तो एक बड़ी वीडियो बनी पई है जे तुसी डिटेल दे विच पढ़ना चाहते हो तो वह वीडियो नू भी देख सकते हो। जनवरी 1748 अफगान का नवा शासक बनया सी अहमद शाह अब्दाली तो वह जइया खान के भरा शाह नवाज के सदे ते भारत दाखिल होया। लाहौर की लुट सुट मगरों अब्दाली दिल्ली वाल नू बदया जिथे मुगल फौज के कमांडर मीर मन्नू हथों उसनू हार चलनी पई। ठीक है सिखा ने इसका फायदा लिया। इस राजनीतिक संसोपंज का सिखा ने पूरा लाभ लेंद्या सरबत खालसा ने मुड़ अपनी पछाण बनाई। ठीक है खालसा दिया सारिया फौजा 1748 एक झंडे हेठ इकट्ठिया हुई जिसनों दल खालसा कहा गया। ठीक है जी तो इसकी कमान सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने संभाली। दल खालसा 11 मिसलां यानी कि 11 इकाइयां दे विच वंडिया गया। जे टोटल मिसलों की गल करिए 12 मिसलां सन पर 12वीं मिसल सी जो फुलकिया मिसल वह दल खालसा का भाग नहीं मनी जाती सी क्योंकि उसने कुछ जन विरोधी कार्रवाइयां कीतीआं सन। थोड़े समय विच ही दल खालसा ने पंजाब के बड़े हिस्से ते कब्जा कर लिया। दल खालसा ने पहला सरहंद विखे अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर नूं हराया। उस तो बाद 1762 दे विच बड़ा कल्लूघारा होया सी अते इसे साल खालसा ने अमृतसर विखे अहमद शाह नूं भी हरा दिता। ठीक है सिखा ने सतलुज तो जमुना विचले इलाके ते मुड़ कब्जा कर लिया। तो इस तो इलावा 1764 विच ठीक है 1764 विच सरहंद ते कब्जा करन उपरंत मिसलदारी जो प्रणाली सी उह होंद विच आई। ठीक है कपूर सिंह अते नवाब कपूर सिंह अते जस्सा सिंह आलोवालिया ने योग अगवाई दिती पर 1783 दे विच सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया की मौत तो बाद दल खालसा का अंत हो गया। ठीक है तो डैट्स ऑल गाइज जे वीडियो वधिया लग्या तो लाइक ते शेयर करना ना भुल्यो। जे चैनल नू हले तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।